हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे TG2 एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका सलूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, धारा का प्रवाह होता है, ठीक, धनावेशकार, ऋणावेशकार, दोनों कार या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जब भी आपसे केवल धारा पूछ रहा है तो धारा हम परिभाषा में पढ़ते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है। तो आवेश में आपका पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और हम लोग का निगेटिव चार्ज भी आएगा, मतलब पॉजिटिव कार्ड भी धारा बहेगी और निगेटिव कार्ड भी धारा बहेगी, यानी यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। लेकिन अगर आपसे कहे कि ठोस में या फिर चालक में, क्योंकि चालक भी क्या है, एक प्रकार से ठोस ही है, ठोस में धारा किससे कार्ड से बहती है, तो वहाँ पे हम जवाब देंगे कि ठोस में धारा केवल इलेक्ट्रॉनों कार्ड बहती है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, मतलब आप कहाँ होने चाहिए, चालन बैंड में होना चाहिए, वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉनों से धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसमें पूछा गया है न्यूट्रॉनों के लिए सही कथन है, ठीक। पहला है, यह ऋणावेशित होते हैं या उदासीन होते हैं, कि इन पर इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बी व सी दोनों, ठीक। तो देखते हैं, ये हम लोग का नाभिक है, तो नाभिक का जो नाभिक क्या केंद्र होता है, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ये क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने का मतलब ये है कि इन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर हो जाएगी, जो कि यहाँ दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इसमें पूछा गया है कि नाभिक के केंद्र में पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, नाभिक केंद्र में क्या पाए जाते हैं। पहला दिया गया है इलेक्ट्रॉन, P प्लस का मतलब प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों, कि इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन दोनों। तो नाभिक में क्या पाए जा रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसमें दोनों दिया गया हो। हाँ, एक यहाँ पे दिया गया है, क्या, प्रोटॉन। तो हम लोग क्या चूज करेंगे, नाभिक में क्या मिलेगा, प्रोटॉन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे, इसमें पूछा गया है 5 कूलाम के आवेश को बिंदु ए से बी तक आधे मिनट तक प्रवाहित करने से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ठीक है। 5 कूलाम का आवेश है, धारा का मान पूछा है, तो I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। कितने आवेश हैं, 5 कूलाम के आवेश हैं, कितना मिनट लग रहा है, आधा मिनट। तो देखिए, हमेशा कूलाम प्रति सेकंड धारा होती है, कूलाम प्रति सेकंड, यहाँ आधा मिनट बोल रहा है, एक मिनट में 60 सेकंड, तो आधे मिनट में कितना सेकंड, 30 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, 1/6 मतलब कितना हो जाएगा, 0.1666, ठीक है, 0.166 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। तो ध्यान यहाँ पे यही देना था कि जो समय रखा जाएगा वो सेकंड मात्रक में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें पूछा गया है इकाई कूलाम के दो आवेशों को कितनी दूरी पर रखें कि उनके बीच लगने वाला बल 9×10⁻⁹ न्यूटन प्राप्त हो, ठीक है। देखिए, कूलाम के नियम में पढ़ा गया है क्या, कि फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/D² होता है। अब कह रहा है कितने कूलाम के आवेश हैं, इकाई कूलाम के, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1×1 यानी 1 हो गया, और K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹। तो फोर्स भी कितना लग रहा है, सवाल ने बोला है 9×10⁹, फोर्स का मान भी दिया गया है इतना ही, और ये क्या है, K का मान भी उतना ही होता है। तो अब दूरी पूछा है, तो दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, 1 mm 100 सेंटीमीटर की, 100 mm, तो दूरी 1 होगी, तभी ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होगी। लेकिन अब 1 सेंटीमीटर होगा कि क्या होगा, तो दूरी हमेशा मीटर में रखी जाती है, और हमको मालूम है
कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ जो दूरी रखें किस में रखेंगे हम लोग, दूरी रखते हैं हमेशा मीटर में। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मात्रक क्या होता है? फेरेड प्रति मीटर। तो यहाँ मीटर होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या रखी जाती है? मीटर में रखी जाती है। तो क्वेश्चन घुमाया गया है, एक मीटर ना देकर क्या पूछा गया है? 100 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर, जो कि मेंशन किया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कूलम्ब के नियम से बल व दूरी के बीच में क्या संबंध होगा। तो बल और दूरी के बीच में क्या संबंध है? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। एफ दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही हैं, लेकिन जब आप उनका आसानी से समझ कर जवाब दोगे तभी आपको नंबर मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन पर टिक हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें पूछा गया है समय स्थिरांक का मान क्या है? समय स्थिरांक का मान क्या है? L/R, R/L, C/R की ए और सी दोनों। अब देखिए टाउ, समय स्थिरांक क्या होता है? टाउ। ठीक, मात्रक क्या होता है इसका? सेकेंड। समय स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड। अब प्रेरक परिपथ में भी समय स्थिरांक होता है और संधारित परिपथ में भी होता है। प्रेरक परिपथ के लिए क्या हो जाता है? L/R। प्रेरक परिपथ में टाउ बराबर L/R और संधारित के परिपथ में टाउ बराबर क्या होता है? C/R। ठीक, तो दोनों ही केस में प्रेरक के समय में जो धारा होती है वो कितना? 63.6% मान जब प्राप्त कर ले, और कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होता है वो 63.6% मान प्राप्त कर लेता है जितने समय में, उसी क्या बोलते हैं? टाउ, यानी समय स्थिरांक। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से जान लीजिए, जब भी आपसे कहे 100% चार्ज होने में, 100% का मतलब क्या होता है? पूर्णतया आवेशित। तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगता है? 5 टाउ का समय लगता है, यानी जितना टाउ आएगा उसमें आप 5 से गुणा करोगे तब आपको मिलेगा पूर्णतया चार्ज, या फिर 100% चार्जिंग की कंडीशन, या फिर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है बिंदु ए का विभव -5 वोल्ट व बी का विभव -8 वोल्ट हो तो वी बी ए का मान बताइए। बिंदु ए है ये कोई, और ये कोई बिंदु क्या है? बी है। बिंदु ए का विभव बोला गया है कितना है? -5 वोल्ट, और बी का विभव कितना है? -8 वोल्ट। अब आपसे पूछा है वी बी ए की वैल्यू क्या होगी। तो वी बी ए का मतलब क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है वी बी माइनस वी ए। चिन्ह के साथ आपको मान रखना होता, बस यही याद रखिएगा। वी बी की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक, फिर क्या लगा है? माइनस लगा दिए। वी ए का मान कितना है? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब कितना आएगा? -3 वोल्ट। तो कुछ है नहीं, बस केवल आपको चिन्हों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कितना आ गया? -3 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, दो आवेशों के बीच का बल निर्भर करता है, यानी दो आपके पास अगर चार्ज हैं तो उनके बीच का बल किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है, पहला दिया गया उनके बीच की दूरी पर। तो दो आवेशों के बीच F बराबर हमने पढ़ा है K Q1 Q2/D² होता है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, किस पर निर्भर करता है? तो उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, उनके परिमाण पर, उनके आवेशों के परिमाण पर। भाई एक 5 एक 3 है तो 5 3 15, अगर एक 6 है दूसरा 3 6 18, तो उनके परिमाण पर भी निर्भर कर रहा है। फिर कह रहा है उनके बीच के माध्यम पर, माध्यम से मतलब क्या है? देखिए F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πμ0μr। तो ये जो है μr, ये क्या है? माध्यम का ही तो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये क्या है? माध्यम पर ही तो निर्भर कर रहा है, यानी माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक, यानी दूरी पर भी निर्भर किया, आवेशों के परिमाण पर भी निर्भर किया, और उनके माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहां पर विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। परिपथ का बंद होना,
विभवांतर का होना कि उपरोक्त दोनों या फिर प्रतिरोध का होना। तो देखिए किसी भी क्लोज सर्किट में ही धारा बहती है, पहली कंडीशन ये तो सही है। और धारा हमेशा उच्च विभव से, यानी यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है, यहाँ पे क्या है 3 वोल्ट है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही बहती है। ये दोनों ही कंडीशन आपकी कंपल्सरी है किसके लिए, किसी भी सर्किट में धारा के प्रवाह के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखते हो सॉकेट जब आप टच करते हो तो आपको शॉक लग जाता है, क्यों, क्योंकि वो 240 पे है और आप कहाँ हो, ग्राउंड पे हो, अर्थ पे हो, तो 240 वो और 0 तो आपको अच्छा खासा विभवांतर मिलेगा और करंट आपके अंदर से होकर पास हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि निम्न में प्रतिरोध का मान कब घटेगा, ठीक है, आवेशों की संख्या के बढ़ने पर, आवेशों की संख्या के घटने पर, आवेशों की संख्या प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, या फिर नोटा यानी नन ऑफ दी एवर। तो देखिए जो प्रतिरोध है वो आपका नंबर ऑफ चार्ज पर डिपेंड कर, सॉरी 1/ नंबर ऑफ चार्ज यानी आवेशों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आवेशों की संख्या में वृद्धि होगी तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आई बराबर क्या पढ़ते हैं, क्यू बाई टी, क्यू बराबर एन ई बाई टी, एन मीन्स नंबर ऑफ चार्जेस। तो नंबर ऑफ चार्ज बढ़ा, धारा का मान बढ़ा, धारा का मान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, यानी प्रतिरोध घटेगा जब आवेशों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है किरचाफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचाफ ने दो नियम दिए थे, उनका जो प्रथम नियम है यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग KCL, यही किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। जबकि जो उनका दूसरा नियम है जिसको क्या बोलते हैं KVL, ये किस पे आधारित है, ये आपके ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है, परिपथ की सभी शक्ति का बीजगणितीय योग शून्य होता है या किस प्रमेय से ज्ञात होता है, नोडल एनालिसिस से, नोडल प्रमेय से, मेश प्रमेय से, अध्यारोपण सुपरपोजिशन थ्योरम से, या फिर टेलीजेंसी थ्योरम से, ठीक। तो क्या होगा इसमें सही, टेलीजेंसी थ्योरम। टेलीजेंसी थ्योरम हमको बताती है कि सिग्मा पी इज इक्वल टू जीरो, यानी डिलीवरी पावर एंड एब्जॉर्बिंग पावर का योग हमेशा जीरो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो थ्योरम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेलीजेंसी थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। केवीएल के नियम से परिपथ को हल करने के प्राप्त समीकरणों की संख्या कितनी होगी। अब देखो ये बता दे रहे हैं, केवीएल को हल करने के लिए आपसे पूछेगा तो फार्मूला होता है बी माइनस एन प्लस वन। बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच है, एन क्या है, नोडों की संख्या, नंबर ऑफ नोड है। अगर आपसे कहेगा केसीएल के लिए समीकरण की संख्या बताओ तो क्या लिखेंगे, एन माइनस वन। केसीएल के लिए समीकरणों की संख्या क्या होगी, एन माइनस वन हो जाएगी। तो यहाँ केवीएल के लिए पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बी माइनस एन प्लस वन, और केसीएल के लिए पूछेगा तो एन माइनस वन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें केवल बेसिक के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, वो भी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से, ठीक है। आप अपनी तैयारी का आकलन करिए कितना आपका इसमें से सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर, निम्न परिपथ में धारा का मान बता दीजिए, ठीक है, सर्किट बनी हुई है, चलो इसको रफ कर लेते हैं। नंबर 15, अब देखिए इसमें क्या है, सर्किट बनी हुई है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, कितने ओम का, 2 ओम का, एक ये, और यहाँ पे लगा हुआ कितने ओम का, 2 ओम का, ठीक। ध्यान रखिएगा ये 15 वोल्ट है और ये कितना है, 23 वोल्ट है, और आपसे कह रहा है धारा की दिशा यहाँ पे दी गई है I, तो इसी दिशा में आपको धारा का मान बताना है, ठीक। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 15 और 23, तो बड़ा कौन सा है, 23 वोल्ट वाला बड़ा है, यानी दोनों, अब दोनों के साइन क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, घट जाएगा। कितना मिलेगा आपको वोल्टेज, 8 वोल्ट मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आई बराबर, तो क्या लिखोगे, वी अपॉन आर, और चूंकि ये बड़ा है धारा इसी दिशा में बहेगी, ये बात सही है, प्लस में आएगा, ठीक। आई भाई अगर ये प्लस तो ये रहेगा ही, अगर ये धारा की दिशा ऐसी होती तो किस में आता आंसर, माइनस में आता, क्योंकि पॉजिटिव से धारा निकलती है, जबकि यहाँ पे साइन क्या दिया गया है, उल्टा दिया गया है। इलेक्ट्रिकल में प्लस और माइनस से केवल डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बना हुआ है, आई का मान पूछा गया है। तो वोल्टेज कितना है,
23 और 15 दोनों प्लस में है तो क्या होगा, घट जाएगा। 23 में से 15 गया, लिख देते हैं यहाँ पे 23 माइनस 15 ये वोल्टेज हो गया अपॉन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम यहाँ कितना हो गया 4, तो कितना आएगा 8/4 का मतलब कितनी एम्पीयर धारा, 2 एम्पीयर, वो भी किस साइन में, प्लस साइन में रहेगा, ठीक, क्योंकि ये 23 वोल्ट ही बड़ा है और अभी पढ़े हैं धारा क्या होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। अगर यहाँ पे आप उल्टा डायरेक्शन दिखाओगे तो वही धारा का मान वही रहेगा, बस दिशा क्या हो जाएगी, बदलेगी, जिसकी वजह से आंसर क्या आएगा आपका माइनस में 2 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे माइनस 2 नहीं करना है, प्लस में 2 एम्पीयर ही रहेगा, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है यदि एक हीटर की इनपुट शक्ति 1.5 किलोवाट हो और 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जा रहा हो तो इसमें धारा का मान क्या होगा, ठीक है, पावर दे रखा है तो हम फार्मूला पढ़े, P बराबर क्या होता है V इंटू आई, और क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, फिर क्या होता है I स्क्वायर अपॉन R, और शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है बंधु, वाट हो जाता है। यहां तक सबको आना चाहिए, V इंटू आई, V स्क्वायर अपॉन R, ये कहां लगाते हैं हम लोग, वोल्टेज नोन है, रेजिस्टेंस नोन है तो पैरेलल सर्किट में लगा देंगे, आई स्क्वायर आर ये कहाँ लगाएंगे, सीरीज सर्किट में लगा देंगे, और जब आपको वोल्टेज भी मालूम हो करंट भी मालूम हो तो कहाँ लगा देंगे, आप लगा सकते हैं प्योर ऑफ इनटू आई वाला। तो देखिए यहाँ पे दिया गया पावर कितनी दी गई है 1.5 किलोवाट, मतलब कितना हो जाएगा 1500, 1000.0 हट जाएगा, ठीक, बराबर वोल्टेज का मान दिया गया कितना 300, धारा का मान पूछा है तो काट दीजिए करंट का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, आई बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर। तो ऐसे बेसिक बेसिक सवाल ही TG2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आप फार्मूला रख के हल करिए आंसर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 में, इसमें पूछा गया है कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 4 से कम होती है, 4 से अधिक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा, 4 से अधिक, गलत, आपसे वैलेंसी बैंड में पूछा है, सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन पूछा है, अगर वैलेंसी बैंड में पूछेगा तो वैलेंसी बैंड में आप कहोगे कि हाँ कुचालक है तो कितनी होगी, 4 से अधिक होगी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहीं पे क्या होते हैं भैया फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब वैलेंसी बैंड से निकल कर फ्री होता है तो कहाँ जाता है कंडक्शन बैंड में ही जाता है, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड चालन बंद, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, नहीं, जीरो होते हैं या फिर नगण्य हो जाते हैं। तो जो 17 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, नन ऑफ द अबव यानी डी वाला सही होगा, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, इसमें पूछा गया है परम शून्य ताप पर SI यानी सिलिकॉन का बिहेवियर किसके जैसा होगा या क्या होगा। देखिए परम शून्य ताप का मतलब होता है कितना, 0 केल्विन, या फिर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जितने भी सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक होते हैं ये सभी के सभी बिहेवियर करते हैं किसके जैसे, इंसुलेटर, दैट्स मीन कुचालक के जैसे। 0 केल्विन पर सभी अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है DC परिपथ में प्रेरक में प्रेरकत्व का मान कितना होता है, तो प्रेरकत्व होता क्या है L बराबर Psi/I या फिर क्या पढ़े हैं N Φ/I, फार्मूले आपको याद होने चाहिए Psi/I या फिर N Φ/I। लिंकेज फ्लक्स, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा प्रेरकत्व तो आने वाला नहीं है। किसमें पूछा है, DC में पूछा है, DC में क्या कोई चेंज होगा, नहीं होगा, जब चेंज नहीं होगा तो L का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं DC में इंडक्टेंस होगा तो कब होगा, जब आपको बोला जाए सवाल में स्विचिंग समय या स्विचिंग टाइम, यानी सर्किट को ऑन करते समय और ऑफ करते समय ही परिवर्तन होगा, तो उसको बोलते हैं स्विचिंग टाइम, और केवल स्विचिंग टाइम में ही आपका डीसी में भी आपको एल की वैल्यू 0 नहीं बल्कि कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन सवाल में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, जब स्विचिंग टाइम नहीं दिया है तो हम क्या मारेंगे, 0 मारेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी, ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इसमें पूछा गया है परिपथ में धारा का मान क्या होगा, ठीक। एक सर्किट बनी है कुछ इस प्रकार से,
यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है कितना 20 वोल्ट का, इंडक्टर कितने ये है 3 ओम का इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 4 ओम, और पूछा है करंट आई की वैल्यू क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 0+। ठीक, अब देखिए इंडक्टर के केस में दो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। एक टी बराबर 0+ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनिशियल टाइम, दैट्स मीन आरंभिक समय, आरंभिक समय में, और टी बराबर इनफाइनाइट जिसको हम क्या बोलते हैं फाइनल स्टेट या फिर स्टडी स्टेट, मतलब अंतिम समय। ठीक, तो आपको मालूम होना चाहिए कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ आपको याद हो, देखिए इधर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्राफ अगर याद हो तो ये होता है करंट आई और ये आता है आपका वोल्टेज वी, करंट आई और वोल्टेज वी। ठीक, ये दो ग्राफ आपका आता है जो बताता क्या है करंट आपकी स्टार्टिंग में क्या है कम है, टाइम के साथ साथ इंडक्टर में करंट क्या हो रही है स्टोर हो रही है तो इंक्रीज नेचर में आ रही है। जैसे जैसे करंट आपकी इंक्रीज हो रही होगी वोल्टेज क्या हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा। दैट्स मीन अगर यहाँ पे देखा जाए इसी समय को क्या बोलते हैं टी बराबर 0+, और ये आगे आते आते यहाँ इस समय बोलते हैं टी बराबर इनफाइनाइट। तो टी बराबर 0 पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये तो मिल रहा है बट करंट की वैल्यू क्या है 0। ये कब संभव है कि करंट 0 हो और वोल्टेज आपको मिल रहा हो, तो सर्किट क्या होती है ओपन होती है। दैट्स मीन एट टी इज इक्वल टू 0+, दैट्स मीन इनिशियल टाइम में जो इंडक्टर होगा वो कैसे बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, एंड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी फाइनल स्टेट पे अंतिम समय पे यहाँ पे इंडक्टर क्या है देखिए वोल्टेज की वैल्यू क्या हो रही है घट रही है घट रही है, जब करंट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है। अब बताइए सर्किट क्या हो सकती है, जी हाँ सर्किट क्या होगी शॉर्ट होगी, क्यों क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ही वोल्टेज 0 होता है और करंट की वैल्यू हमको मिलती रहती है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहाँ पूछा था टी बराबर 0+ से पूछा था, तो कुछ नहीं लगा लीजिए आसानी से 0+ पे सर्किट क्या होगी ओपन होगी, ओपन है मतलब ये सर्किट क्या हो गई ओपन। अब क्या इसमें कोई धारा बहेगी नहीं, सॉरी अगर धारा नहीं बहेगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि करंट का मान क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ठीक, तो देखिए किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कंडीशन देगा 0+ या फिर इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, लास्ट क्वेश्चन है। यदि उपरोक्त परिपथ में यानी यही जो सर्किट थी, देखिए सर्किट फिर से बना दे रहे हैं, ये लग गया 3 ओम का। यदि उपरोक्त परिपथ में प्रेरकत्व का मान 2 हेनरी है, यहाँ पे जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू दे रखा है 2 हेनरी, जबकि 3 ओम क्या है 3 ओम उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दैट्स मीन द वैल्यू ऑफ एक्सएल है। ठीक, 2 हेनरी यहाँ पे दे रखा है और पूछा गया है कि प्रेरक को पूर्णतया आवेशित होने में कितना समय लगेगा। देखिए अभी आपको डिस्कस करके बताए भी पिछले क्वेश्चन में कि 5 टाऊ का समय लगता है इंडक्टर को या फिर कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में, तो 5 टाऊ का जो समय लगा है यहाँ पे टाऊ बराबर क्या होता है इन द केस ऑफ RL सर्किट हम क्या बोलते हैं टाऊ बराबर L/R, और कैपेसिटर में क्या होता है C/R होता है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको दिया गया है L की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, और R की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो ये तो हो गया आपका कितना 1/2, ये आपका समय लगा केवल उसको 63.6% की वैल्यू अचीव करने में, क्योंकि टाउ वही समय होता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फुल्ली चार्ज, तो फुल्ली चार्ज में कितना समय लगेगा 5 × टाउ, दैट्स मीन 1/2, और क्या आएगा 2.5, और यूनिट क्या होती है टाइम कांस्टेंट की तो सेकंड होती है। ठीक है, देखिए मिनट में भी दिया गया है ऑप्शन में, तो आप ध्यान से करिएगा, तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे हम लोग के 21 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही केवल एक दो चैप्टर के ही यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर को आई थिंक उसी से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे फॉर्म किया गया है, उन क्वेश्चनों को देखा सॉल्व किया उसका सोल्यूशन भी देखा। तो ऐसे ही आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेन चीज़ याद रखिएगा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जितनी फार्मूला आपको याद होगा उतनी ही जल्दी से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।